नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और अधिक मास के पुष्य नक्षत्र के इस विशेष एपिसोड में। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के चक्र में पुष्य नक्षत्र आठवां होता है और इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि है। सभी नक्षत्रों में इसे सर्वाधिक शुभ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इसमें किया गया कोई भी कार्य शुभ होता है, पुण्य फलदायी होता है और तुरंत फल देने वाला माना जाता है। वार के साथ में पुष्य नक्षत्र का संयोग होने से गुरु पुष्य और रवि पुष्य जैसे महायोगों का निर्माण होता है, जिनमें शॉपिंग करने से या सामान खरीदने से विशेष महत्व माना गया है या विशेष फल प्राप्त होता है। यह संयोग खास इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य के दिन रविवार और नक्षत्रों के राजा पुष्य का संयोग होना एक तरह से राजयोग का निर्माण करता है। जब ग्रह और नक्षत्रों के राजा आपस में मिलेंगे तो वह संयोग अपने आप में खास हो जाता है। इस संयोग में किया गया शुभ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति है, इसलिए इस दिन पीली धातु जैसे सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किए गए मंत्र जाप तुरंत फलदायी होते हैं। इसी विशेष मुहूर्त में हम आपके लिए बनाएंगे विशेष कवच, आपकी समस्या समाधान के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। आप अपनी समस्या के अनुसार कौन सा कवच धारण करना फायदेमंद होगा फोन पर जान सकते हैं। जोधपुर ऑफिस के फोन नंबर जो फ्लैश होते रहते हैं, स्क्रॉल में चलते रहते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलते हैं। अधिक मास चंद्रमा का एक वर्ष अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 वर्ष में एक वर्ष एक चंद्र मास अस्तित्व में आ जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस माह के अधिपति देवता भगवान विष्णु है, भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए इस माह में उनकी कृपा पाने के लिए विशेष जप तप व्रत उपवास किए जाते हैं। इस माह में किए गए कार्य कई हजार गुना अधिक फल देते हैं और इसमें रवि पुष्य का संयोग होने से इसके परिणाम और परिणाम प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब इस पुष्य नक्षत्र के दिन आपको विशेष क्या करना है, क्योंकि एक तो अधिक मास और फिर इसमें भी रवि पुष्य योग का आना, यह बहुत ज्यादा शुभ घड़ी है या बहुत ज्यादा शुभ समय है। रवि पुष्य के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके पानी में गंगा जल डाल करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उदित होते सूर्य को, अतः जब सूर्य उदय होने वाला हो उस समय सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला आप जाप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपकी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होगी। जो सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी या फिर प्रमोशन की चाह रखने वालों को यह प्रमोशन मिलने के योग दे सकता है, इसलिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बुरे प्रभाव दे रहा है या प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, वे इस दिन सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके या चीनी डाल करके लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दें। इससे सूर्य की पीड़ा प्रतिकूलता कम होती है और आपके प्रमोशन के या आपकी उन्नति के रास्ते खुलते हैं। जो लोग सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। धन और संपत्ति की यदि आपको चाह है तो इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में आप कोई न कोई मिठाई जरूर लें, सूर्यदेव को मावे की मिठाई का भोग लगाएं और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उसमें उसका दान करें। रवि पुष्य नक्षत्र शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से वह निरंतर बढ़ता चला जाता है। अधिक मास का संयोग होने के कारण इस दिन इन्वेस्टमेंट से संबंधित कार्य करने से उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं या प्रेम संबंध प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन एक मोर पंख ला करके अपने बेडरूम की उत्तरी दीवार पर, नॉर्थ वॉल पर आपको लगाना चाहिए।
नक्षत्रों का राजा कहलाने वाला पुष्य नक्षत्र इस वर्ष अधिक मास में एक बारी रवि पुष्य नक्षत्र में योग आएगा, 11 अक्टूबर 2020 को घटित होगा। इस खास दिन का इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल करके धन सम्मान मान प्रतिष्ठा या पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। इन पुष्य नक्षत्र के साथ में कई अन्य शुभ संयोग बनने से यह दिन वर्ष के सबसे श्रेष्ठ दिन कहे जाएंगे, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन दिनांकों पर रविवार होने से रवि पुष्य योग का शुभ संयोग बना है। अधिक मास हर 3 साल में आता है, इस लिहाज से देखा जाए तो यह खास संयोग 3 वर्ष में एक बार ही बनेगा, तो ऐसी स्थिति में यह योग अपने आप में विलक्षण है। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी करने के लिए शॉपिंग करने के लिए शुभ माना गया है। इस दिन सोना चांदी बर्तन वाहन भूमि और मकान आदि खरीदे जाते हैं। लेकिन इस दिन ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करने से आपकी कई परेशानियां भी दूर हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही उपाय। इस दिन आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाया जा सकता है। इसके लिए सूर्य को अर्घ दें, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें जैसे गेहूं गुड़ तांबा ये सब। इस दिन रोटी पर घी चुपड़ करके उसके साथ में गुड़ मिला करके गाय को खिलाने से धन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है, या जो पैसा आपका रुका हुआ है वो पैसा प्राप्त होने के योग बनते हैं। बहुत सी जगह पर मेट्रो सिटीज़ में ये संभव नहीं है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं उनके लिए संभव हो सकता है, तो यदि आपसे संभव हो सकता है तो जरूर करने का प्रयास करें। इस दिन उपवास रखने से काम की गुणवत्ता और असरकारकता में सुधार होता है और जीवन के हर एक क्षेत्र में एक प्रकार से सफलता की प्राप्ति होना संभव होने लगता है। इसलिए आपको जहां तक संभव हो सके व्रत करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि देवता बृहस्पति और कर्क राशि में इसका भ्रमण होने के कारण इस पर चंद्रमा का प्रभाव भी रहता है। अतः इस दिन शनि बृहस्पति और चंद्रमा इनकी पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, और चाहे तो पीपल शमी और आग के पेड़ या दूध वाले पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के समक्ष उनके सामने घी का दीपक जला करके उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें और इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से बहुत जल्द सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इस शुभदायी दिन माता लक्ष्मी की पूजा और साधना करने से उनका विशेष फल प्राप्त होता है। सबसे पहले अपने घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं, और किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करनी है तो भी यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, और फिर लक्ष्मी की पूजा करने के बाद में श्री सूक्त का पाठ करें। रुद्रमय तंत्र है उसमें श्री सूक्त का संपुटित पाठ दिया हुआ है, और हमने भी एक सीडी बनाई हुई श्री सूक्त पाठ की, वो भी आप मंगवा सकते हैं। जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं वो कम से कम अपने घर में उस सीडी को स्टार्ट कर दें, ताकि 108 बार वो आपका दिन भर पाठ चलता रहे, उससे भी आपको लाभ होगा। इस नक्षत्र में दिव्य कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र, दक्षिणा शंख, लक्ष्मी कारक कौड़ियां, इन सभी को ला करके इनकी पूजा की जाती है जैसे दीपावली को करते हैं। जैसे इस दिन गोमती चक्र, रक्त गुंजा और नाग केसर को ला करके उनकी विशेष पूजा की जाती है, और फिर उसे डिबिया में सिंदूर लगा करके या शहद के साथ में भर करके अपने कैश बॉक्स में या तिजोरी में रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है या लक्ष्मी को आकर्षण महसूस होता है, और एक प्रकार से लक्ष्मी वशीकरण के लिए भी ये उपाय काम लिया जाता है। और यही प्रयोग शंख पुष्पी की जड़ के साथ में भी किया जा सकता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक प्रतिनिधित्व वृक्ष या पौधा होता है, इसी तरह पुष्य नक्षत्र का भी एक पेड़ है जिसकी पूजा करने से सभी तरह के संकट मिटते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है जबकि नक्षत्र देव बृहस्पति है, और यह नक्षत्र चंद्रमा की कर्क राशि में विचरण करता है। अतः शनि के मान से शमी और बृहस्पति के मान से पीपल का वृक्ष इस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अधिक जगह पर पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। पुष्य नक्षत्र और वो भी रवि पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति का व्रत और पूजन किया जाता है।
पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने घर के खाली हिस्से में पीपल का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंजीर और गुलर या जो खेर पत्री का वृक्ष भी पुष्य नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इतना विशेष मुहूर्त होने के कारण ही हम इस महाशक्तिशाली शुभ मुहूर्त में कुछ विशेष कवच का निर्माण करेंगे। आप भी अपने लिए विशेष कवच का निर्माण करवाना चाहते हैं तो अपनी सूचना देकर के इस कवच का निर्माण करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारे जोधपुर ऑफिस पर संपर्क करना होगा, जिसके नंबर आपको स्क्रोल जो हो रहा है उसमें दिखाई दे जाएंगे। जो भी फोन उठाएंगे वो महानुभाव आपकी समस्या या आपकी कामना सुनेंगे और उसके अनुसार कौन सा कवच आपको धारण करना चाहिए ये मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप यदि वो बनवाना चाहते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन संकल्प के लिए चाहिए वो सब आपसे मांगेंगे, और आप द्वारा सूचनाएँ जो दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके अनुसार ही कवच बनेगा और वो आपके ही काम आएगा। तो आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे, बहुत बहुत धन्यवाद।